अब हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और जिसकी बीबी जॉम्बी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी जॉम्बी उसका भी बड़ा नाम है, अरे गोद में उठा। तो भैया क्या कर, हाँ हमको हमें जाना है। ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे। अच्छा आ गए आप लोग, नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मज़े में होंगे। और जैसा आप देख पा रहे हो मुझे मिल चुकी है ये हुक। कल मैंने काफ़ी गेम खेला और पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे किए और फाइनली मैंने ले लिया है ये हुक को। और गेम में काफ़ी मैंने, कल मैंने कोई मिशन कंप्लीट नहीं किया, कुछ भी 1% भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। जितना आप लोगों ने देखा है उतना ही है, बस मैंने इतना किया है कि मैंने आइटम इकट्ठे करके अपने स्किल पॉइंट वगैरह बढ़ा लिए हैं। सो भैया कहना ये था आप लोगों से, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कहानी चल क्या रही है। कहानी चल रही है सर कि जेड को बंदी बना लिया गया है, ठीक है। तो हुआ यह है कि जेड को बंदी बनाने की वजह से जहाँ पे उसको रखा गया है वो एक किले की तरह है। जो नाम को बंदा था समथिंग लाइक दैट, उसने बताया हमें कि जो जहाँ पे बंदी बनाया गया है वो जगह बहुत ख़तरनाक है। सो और वहाँ जाने के लिए हमें पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, तो हम यही करने वाले हैं। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, और एक चीज़ मैंने गेन की है, अगर मैं कहीं से जंप करता भी हूँ तो अब मुझे चोट नहीं लगेगी क्योंकि मैं इस तरह से रोल कर जाऊँगा। तो काफ़ी कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया भैया, तो आइए फिर चलते हैं उस पोस्टर्स में जेट को बचाने के लिए, क्योंकि भैया उनको उनको तो पूरा हवा चल रहा है का। हमने जब जेड के कहने पे बुलावे पे जब गए थे आखिरी बार, तो हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि वहाँ पे एक मार्किंग बनी हुई थी, मतलब कुछ लिखा हुआ था। और लिखा ये था कि अगर आप स्कॉर्पियन टंग को, सॉरी पूछ होती ना यार क्या होता है, टेल को काट देते हो तो जानते हो क्या होता है। ये चीज़ लिखा था रईस ने। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, रीज़न ये है कि उसके हाथ को मैंने काटा था, कोई याद होगा आखिरी गेम प्ले में। तो उसी का बदला लेने के लिए वो उसने जेड किडनैप कर लिया है। अब मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ ताकत बढ़ गई है। आइए मैं आपको गेम स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। तो जॉम्बी में दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, मैं आपको अपनी किक दिखाता हूँ, ये देखिए। अब हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और जिसकी बीबी जॉम्बी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी जॉम्बी उसका भी बड़ा नाम है, अरे गोद में उठा। तो भैया क्या कर, हाँ हमको हमें जाना है जेड के पास। चलो हम चल रहे हैं फोर्ट्रेस में जहाँ जेड को बंदी बना कर रखा गया है। तो रोल करना भूल गया मैं। आइए फिर इंतज़ार किस बात की, निकलते हैं फोर्ट्रेस के पास। और हुक मिलने से थोड़ा काम आसान हो गया है, हम कहीं जल्दी आ जा सकते हैं। सो मेरे पास एक मिनट, जरा मैं आगे बढ़ने से पहले चेक कर लेना चाहता हूँ। मेरे पास इस गन में 3 गोलियाँ, सो रिलोड कर लेते हैं इस गन में, इसको भी रिलोड कर लेते हैं। और अपनी जो हमने बनाई थी इसको भी रिलोड कर लेते हैं। कहानी मुझे लग रहा है काफ़ी अब अंत पे आ चुकी है। आपको याद होगा मैंने लास्ट गेम प्ले में 2 मिशन एक साथ खत्म कर दिए थे। सो कोशिश रहे कि इसमें भी जितना हो सके आगे हम, एक मिनट मैं काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ। हाँ हाँ यही तो है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और मैप के अनुसार तो यही होना चाहिए यार। आइए उतर के देखते हैं, एंट्री यहाँ से है सामने से। Tariq, what do you want? We don't have anything here but a few scraps of food. Oh, relax, Troy sent me. Troy? Oh, thank God. I've been a nervous wreck since I found this kid. He's got nobody to look out for him. I'm not so good with kids, you know. That's not why I'm here. But Troy promised she'd send someone. I need to get into the museum. The museum? But Troy told me someone would come to help.
She promised. Okay, Tariq, you tell me how to get into the museum and maybe I can sort out your problem here, okay? Ryze controls the museum. He would kill you on sight. Well, then I can't have him see me. Now, Troy said you used to be the curator, and that if anybody would know a way in, it'd be you. So, how do I do it? Do you have scuba gear, perhaps? No. Too bad. There's an entrance under the surface of Emerald Pond, but it would be a long swim under the water. You would most likely drown. Yeah, well, most likely isn't definitely, so I guess I'll give it a try. आइए फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा, बाहर का मौसम काफ़ी बदल चुका है, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है और हमने क्या किया अभी। अभी हमारी मुलाकात हुई है मिस्टर तारिक से। तारिक कौन है? तारिक साहब हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है? जू में और म्यूजियम में, लाइक संग्रहालय जैसे कहते हैं और चिड़ियाघर जैसे कहते हैं, अगर आप जाते होंगे घूमने तो एक बंदे को आप वहाँ पैसे देकर टिकट लेते होंगे। तो मिस्टर तारिक वहीं पर काम करते थे एज अ क्यूरेटर उस म्यूजियम में जहाँ हम जाने वाले हैं बचाने के लिए। एक मिनट, अगर मैं इसे ग्रैब कर पाऊँ। मिस्टर तारिक काम करते थे उसी म्यूजियम में। एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा, मैं जरा यहाँ पे कुछ चेक करना चाहता हूँ। आई थिंक ये लो पॉइंट है। एनीवे हाँ ठीक है। तो तारिक साहब काम करते थे एज अ क्यूरेटर उस म्यूजियम में। तो उनको मालूम है कुछ एक खुफिया रास्ते के बारे में, जो अंडर वाटर एंट्रेंस है, पीछे कोई तालाब में वहां से होते जाता है। और उस तालाब के रास्ते ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो हम नहीं चाहेंगे तारिक हमें, सॉरी रईस हमें देख ले, वरना वो मार डालेगा देखते ही। तो काफ़ी ख़तरनाक सी जगह है, सो वहाँ पे छुप के जाना है हमें। और छुप के जाने का सबसे इजी तरीका यही है कि हम उस रास्ते के जाएँ, उस रास्ते के जरिए जाएँ जो पीछे तालाब बना हुआ है। सो हमारी मुलाकात होने के बाद हमें खुफिया रास्ते की जानकारी तो मिल चुकी है, बस हमें अब उस रास्ते पर आगे बढ़ना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जेड कुछ हो और देरी की जाए। जितनी जल्दी हो सके मैं शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ। और डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, यानी कि मैं पार्कर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जरा सा भी मैं इधर उधर रोड का इस्तेमाल ना करते हुए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। और हमारे पास ये हुक मिलने की वजह से काफ़ी आसान हो गया है रास्ता। एक काम करता हूँ, अगर आपके यहाँ पे कोई वो नहीं है क्या, मैं पे चेक करते अगर यहाँ पे कोई मार्केट हो तो ज़रा मैं सामान अपने फुलफिल कर लूँ। यहाँ पे है। ताकि मैं अपनी सप्लाईज फिल कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा संग्राम होने वाला है। आराम से थोड़ा हम एक छोटी सी जंप लेते हैं फिर। चलो यहाँ पे तब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे। वूहू! अंडर वाटर की बात की जा रही है तो मैं जरा सा नीचे से होकर जाना चाहूंगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो मुझे नीचे ही दिख जाना चाहिए। इस तालाब में ऐसा कुछ इंटरेस्ट, अच्छा दूर है वैसे, मैं कहीं पे, अच्छा ये रास्ता ये है। एक मिनट सांस लेते हैं पहले, उसके बाद थोड़ी सी वरना दिक्कत हो जाएगी। चलो अब चलते हैं। अब यहाँ होने वाला हमला, आपको याद है आखिरी मिशन कैसा था? वो घोस्ट वाला, भूत वाला, जॉम्बी वाला, बेहतरीन ना? ये मिशन भी आगे पढ़ना है, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है फिलहाल। ये तो हर तरफ से बंद दिख रही है, मुझे ऊपर जाना पड़ेगा।
कैसी आवाजें आ रही हैं ये? इस तरफ तो बंद है, इस तरफ भी बंद है, और इस तरफ भी बंद है। ये चूल्हा है। ऑलराइट, मैं आ गया हूँ अंदर ना। लाइट्स ऑन कर लेते हैं। दिक्कत है यार, मैं इस वक्त मैंने इसी गोलियां नहीं खाई थी, मैं भूल गया, मैं सिर्फ एक ही लेके चला आया हूँ। कोई बात नहीं, फाइंड अ वे इनटू द म्यूजियम, आई थिंक ये होना चाहिए रास्ता। एक बात तो क्लियर है, जैसा रईस ने लास्ट टाइम बॉस फाइट हुई थी मुझे, ओह माय गॉड, यहाँ भी बॉस फाइटता है। अच्छा खासा मछलियों का हार बन गया है यहाँ पे तो यार। लेकिन एक मिनट बंदा हो गया। अच्छा नहीं है, रास्ता है। छोटी सी प्रॉब्लम है यार, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, और वो सांस अब बहुत दूर जा रही है मुझसे। कहीं ऐसा ना हो वहाँ तक पहुँचते हम ढेर हो जाए। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा ही रास्ता है। 24 का मुर्दा घर बना हुआ है ये तो। सोचे जिस जगह पे जाने का रास्ता इतना खतरनाक हो, वहां पे फाइट कितनी खतरनाक होने वाली होगी। रियल लाइफ की बात करें तो ऐसे तो इंसान यहाँ पहुंचते ही हार्ट अटैक आ जाए उसे डर के मारे, जिस तरह का मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम बोला था मैंने, क्या देखते हैं आप हॉरर मूवीज, गेम खेलो हॉरर, फिर देखो क्या आपकी धड़कने तेज हो ना हो जाए तो फिर कहना कलेजा उठ के बाहर आ जाएगा, चम्मच उठा के अंदर डालना पड़ेगा अपने कलेजे को। आई थिंक मैं सही जगह आ गया हूँ। थोड़ी यहाँ पे सांसें भर ली। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे लगता है कि यहाँ से मैं ऊपर तक जा सकता हूँ। लेट्स ट्राई। No, not now. अरे यार इसकी दिक्कत ना। Troy. I hear you. I'm in. That was the easiest part of this. You realize that, right? You really suck at pep talks, Troy. Not my job, but good luck. Troy के अनुसार तो ये सबसे आसान काम था जो अभी हमने किया है। यानी कि आगे। All right, चले देखते हैं। जैसा होगा आपको कोई, मैं भी यही हूँ। देख लेते हैं क्या होने वाला है। जो भी होगा भैया, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना। बाजुए कातिल में अच्छा ये है। ओह शिट, ओह शिट, देख लिया उसने। आई होप नहीं। हे लुक ओवर देयर। ना 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 ना, आराम से आराम से आराम से आराम से। लेकिन कोई तरीका भी तो नहीं, मारना तो पड़ेगा ना। क्या करें, चलते हैं। Holy
थे बस। We meet again. The last time we met, you took something of mine. Now, I took something of yours. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her crane. You must make a showing of effort first. Attack! Move it, boys, move it! Go, go, go! No, I got you. Chalo, theek hai. हो जाए फिर और क्या? कहाँ छुप गए सारे? Fire in the hole! ये जिस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे पास नहीं है, उसे कहते हैं बमबारी। अरे अचानक से क्या मजा आती है। मुखड़ा तो दिखा दीजिए गुरु। ऐसे ऐसे बस 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 ऐसे बने रहेगा। स्माइल प्लीज। अबाउट टाइम। ओह शिट। परफेक्ट दिया कधे ने। The best you got, guys. I can do this all fucking day. Captain America, I can do this all day. सबसे best moment जो मुझे लगा सबसे humor से भरा हुआ वो था जब end game में Captain America versus Captain America आप देखने को मिलता है और जब वो बोलता है भाई साहब कि I can do this all day और हमारे future के बंदे बोलते हैं I know अब उनका प्रतिरूप होता है तो सब पता होता है उन्हें। गोलियां चल रही ऊपर से शायद इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अपनी एक मिनट यार मेरी ग्रैपलिंग हुक यहाँ पे कहीं पे काम नहीं कर रही है। ओह शिट बड़ी दिक्कत की बात है। क्या है ये बीच में यार? आ गया आराम से खेल लूंगा वरना पंगा पैच भी हो जाएगा। दुश्मन तो बाहर आने से रहा, इनकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए आराम से लेनी होगी बारी बारी। मौका नहीं देंगे ये ऊपर आने का। एक मिनट इन्होंने जिस तरह के कपड़े वगैरह पहन रखे ना वो मैच काफी कर रहा हूं उसे तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं लोकेशन में और बंदों में इसलिए काफी दिक्कत हो रही है। गन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें बुलेट थोड़ी ज्यादा है। एक बचा है बस। डाउन ऑल राइट। और बाहर भी हम नजारा देखते हैं। कोशिश करते हैं कि शी सो लोनली विदाउट यू ऊपर तक पहुंच जाए। कम एंड गेट
is this? अभी हमारा टकराव. नो, ऐसे मौके पे नहीं यार. बाहर निकलना होगा. अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो फिर पार करना थोड़ा सा ये तरीका अच्छा है. उसको आजमा सकते हैं. कहीं ना कहीं तो ओपन होना चाहिए ना. कहीं से तो ओपन होगा ये, वरना हम उस पार जाने के लिए करें क्या. अगर ये नीचे बता रहे, नीचे आके देखते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, शायद नीचे से रास्ता हो. बंद है. ओह, कभी रास्ते सामने होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते. ओके, 37-90 गोलियां लगभग. ये मत बोलना कि इस गेम में भी आर्मर होती है, वरना पंगा ही है, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है. She's running out of time. Hurry up, Crane. आ रहा भैया, आ रहा. मुझसे जल्दी तो उसी को है जो बुलाने के लिए. पर जब वो इतने प्यार से बुलाया ना, तो दो ही मतलब होते हैं. या तो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, या फिर आपसे बदला लेना चाहता है. सोच समझ के ही आगे बढ़े. और ये राइस जो भी है, ये मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं करता, बदला लेने के लिए ही बुला रहा होगा. ये क्या है ये? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं भाई नहीं. मैं समझ गया क्या है ये. निकलो यहाँ से. बहुत जरूरत पड़ने वाली है. अरे यार, कहाँ से पड़ रही है हमें? ये बोलते ना पबजी खेलते वक्त आप लोग, कहाँ से पड़ रही है, दिख नहीं रहा है यार. स्नाइपर है सर, भाई स्नाइपर है, छुप के मार रहा है. अरे तेरी की यार. ये तो पंगा पैच में हो गया. तो भैया क्या कहते हो, क्या किया जाए? वेट अ सेक. अरे कहाँ कहाँ इनसे लड़ना, अगर हम तरीका दूसरा खोज सकते हैं तो. लेकिन हाँ, ये तरीका थोड़ा काम आ सकता है. अरे बड़ी बढ़िया बढ़िया, सही. जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि मेरे पास इतनी बुलेट्स नहीं ना कि मैं जॉम्बीज का सफाया कर सकूँ. मेरे पास कुछ है नहीं क्या? एनीथिंग समथिंग लाइक वन टू थ्री फोर फाइव, नहीं कुछ नहीं मेरे पास. कोई बम वगैरह कुछ नहीं है. आई होप कि मैं यहाँ पे जंप कर जाऊँ. बड़े अरे नहीं, पंगा पैच भी है ये तो. बस मैं बीच में गिरना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बीच में गिरा तो फिर पार कर पाऊँगा इसको. काफ़ी लोकेशन है. मैं यहीं से आया हूँ ना अभी. मैं आगे तो जा नहीं सकता, अगर मैं नहीं जा सकता, यानी कि मुझे उसके पार जाने के लिए ये एक तरीका है. फिर भाई साहब की मूर्ति पे चढ़ सकता हूँ क्या मैं? मुझे नहीं पता क्या होने वाला, बट मैं ट्राई करता हूँ यार. लंबा जंप लेना होगा अगर. ओए होए, क्या बात है यार, मर्द वाली जंप. चलो, जॉम्बीज की होड़ पार तो हो गई. यहाँ मिल चुकी है हमें बुलेट्स. मैं अपनी गन चेंज कर लेना चाहूँगा, क्योंकि इसमें थोड़े बुलेट्स ज़्यादा है. बार बार रिलोड करने का काम था थोड़ा सा.
घूमना यार, घूमना है आपकी तस्वीर तो ले लो अच्छे से, नहीं दोगे? ठीक है पीछे से लेता हूँ, घूमना नहीं, बस 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 बस, ओए होए, और आपके तो ले ही लेंगे आराम से। किल द इन्फेक्टेड, अच्छा मारना पड़ेगा, मैप देखा नहीं मैंने, एक मिनट गन चेंज करके आराम से लेते हैं ना, क्योंकि इस गन से हम टारगेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जय भवानी। अरे नाच नाच रहे हो तो कहाँ से टारगेट निशाने ले, कहाँ से, यहाँ तो गाने भी नहीं बज रहे, छलका था हमारी जवानी, वरना मानता कि हम नाच रहे होते। मैं जंप करता हूँ यार अखाड़े में, बहुत हो गया आपके खेलना, आ जाओ किसको लड़ना है मुझसे, आ जाओ अंकल, आप तो फटते हो ना, इसे गेट ना खुल जाए वरना पंगा पैच भी हो जाएगा। बात है ये बहुत अच्छी है, हाय हाय हाय, ऐसे होते ना स्किल पावर, इसे कहते हैं ताकत। चलो अब कौन बचा, कंप्लीट हो गया टास्क। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नॉट दिस अगेन। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये फील हो रही है कि ये गेम खत्म होते थे, जॉम्बी में तब्दील ना हो जाए बंदा। ऊपर ले रेस्क्यू जेड, जेड कहाँ है, यहाँ पे। चलो तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूब। Oh shit. I'll be right as rain. You do not have the luxury of a minute, Scorpion. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden? How do you think I broke the connection between the sectors? I am the director of this film. And now that I have Zera's research, the GRE will do as I command them, which renders the two of you useless. Tahir! You took offense, Crane, as I recall, at being referred to as a trained man. But look at you now, dancing for your amusement. You are strong enough to have joined me, but you lack the proper. स्किल पॉइंट्स भी यूज करता हूँ तो भी इनके जॉम्बीज को मार पाना उतना आसान नहीं है, एक तरीका है, मेरे दिमाग में आ तो रहा है बट खतरनाक भी हो सकता है। एक तरीका है, एक काम करना होगा, एक मिनट, मुझे किसी एक जॉम्बी को कहीं कोने में मारना होगा ताकि मैं उसके, तरीका ये है कि मैं किसी एक ज़ॉम्बी को मार के उसका एक ऑप्शन है जहाँ पे कैमोफ्लेज करने का, मैं वो कर लूँ तो ज़ॉम्बीज मुझे देख नहीं पाएंगे कुछ देर के लिए, बस हो गया, अब मैं कुछ देर के लिए इनसे छुप सकता हूँ। ये तो अभी भी देख पा रहे हैं मुझे, काम नहीं करेगा तरीका यहाँ पे। गोलियां, अरे यार गोलियां खत्म हो चुकी हैं, अरे हटना जेट जरा, अरे यार मुझे भी तो मजा लेना थोड़ा। नाइस वन, कम ऑन लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, तमाशा हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एल्कोहल मैं लूट क्या रहा हूँ, तुम चलो
बात है, काफी कुछ दे रखा है इन्होंने तो। ओए होए, इतने सारे मेडिकेट बनेंगे आपकी, 3 दिन नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। चलो भैया। Oh, Jade, are you hurt? They didn't bite you, did they? I'm fine. Just give me a second. Sweet little Jade is far from fine, Crane. She was bitten and infected hours ago. How noble of her to try and hide it from you. No. Biter got me on the leg. You didn't need to know. Once again, you find yourself with a choice, Crane. Your precious scorpion is about to turn. But so are you. Who will receive the anthesy? Who has a hope of living through this encounter? It's up to you now. Jade, here. You take this. No! Come on. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than I do. Crane, I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes me out. What? No, I... Promise me! Jade, I can't... Jade, where are you? Jade? I need you to hear me, Crane. Oh, no. Light भी on नहीं हो रही अब. Crane, can you hear me? हाँ, सुन पा रहा हूँ भाई. Oh. Jade, where are you? Jade? So, यार यहाँ पे तो पूरा गेम चेंज हो गया है. दो लोग इन्फेक्टेड थे, अम्मू है और वो पूरा फिल्मी अंदाज में उसने सिर्फ एक ही डोज दिया और बोला कि लगा लो, खुद को लगाओ या फिर अपनी बंदी को, और जैसा कि आप और मैं करते, मैं तो खुद को लगाता मैं समझ रहा हूँ आप क्या सोच रहे थे. नहीं नहीं भाई, जहानत जहान है, फिल्म का हीरो तो मैं हूँ ना. खैर ट्राई करते हैं, रास्ता तो मुझे सारे ओके, ये खुला हुआ है. यानी कि जेड ने इंजेक्शन खुद को लगा लिया और ये जॉम्बी में तब्दील हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? हेलो माय डियर किंग्समैन, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन में क्लिक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना और ऑल सेलेक्ट करना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए. I know you wanted to try and save me. Not everybody would have offered that vial the way you did. But it's too late for that now. It's too late for me. फिर से बच्चे के रोने की आवाज आखिरी में गेम में, मुझे याद है क्या हुआ था उसके बाद. मूव नहीं कर पा रहा हूँ, जेड दिख तो रही था. For a while, I blamed you for Amir's death. I wanted to kill you. But I realized
It was time for Amir. It was time for him to go. Get here, and eventually we die. And there's nothing we can do to change that. They will catch us! God, please, not now. The only thing we can do is make what happens in between count. Crane, save these people. They don't deserve all of this. It's fire! Amir's life counted. And now he's gone. Rahim's life counted. And now he's gone. If sacrificing my life means saving everyone in Harran, then that's what I want to do. Don't take that away from me, Crane. मैंने काफी पहले गेम खेल रखा है ऐसा. I was born premature. The doctors didn't think I was going to live, but I fought. I struggled and I fought and I worked and worked and worked. I became a champion. I became the Scorpion. I left my mark on the world. ये गेम का बिल्कुल स्टार्टिंग पहला मिशन था जिसमें ऐसा हुआ था यहाँ पर. Not now. I'm so sorry. I didn't mean to. One of us has to live, Kyle. You just remember what you promised me. All of this, and still you had your choice made for you. Disappointing, Crane. You and you, get in there and kill them.
मैं गलत था यार, मैं स्टार्टिंग से सोच रहा था गेम खत्म होने के बाद होने से थोड़े तक मैं जॉम्बी में तब्दील हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे नहीं, इस नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स क्रेन, किल और बी किल्ड, ईट और बी ईटन। अरे नहीं यार, शिट मैन, क्या सभी मिसेस कांत इतना इमोशनल हो रहा है ना यहाँ पे? Kill that son of a bitch! तेरी आँख। मेरे की स्टोरी चलती है गेम में, आखिरी में ऐसा दिखा देते हैं ना कि बस तो वो भी नहीं है कि मैं सर्वाइव तहिर से लड़ना है, ताहिर से लड़ना है, ताहिर कैसे भी लड़ना है। Nothing you do will make a bit of difference. बहुत खतरनाक है ये। ओहो। ओके ओके समझ गया समझ गया समझ गया, ताकत इसके पास काफी है। Your whole world's about to turn. अगर मैं आपको ये तरीका अपनाऊं तो, और ये अपनाऊं तो, and there's nothing you can do to stop it. वैसी पावर समझ नहीं होगी उसके बाद हमला करते हैं। ओके, इसके हाथ भी एक ऐसा ही खटाल जैसा कुछ है जो मैंने अपने हाथ में रखा है, और ये भी ओके 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 चार्ज कर रहा है खुद को। ठीक है, मैं ध्यान देना होगा, जैसे ही चार्ज करे मैं एस्केप होके वहाँ पे उसके वेट को से कूल डाउन होने का, फिर मैं वहाँ पे इसको मार सकता हूँ। पैरों पर निशान आया था कुछ, ले मेडिकेट्स भी यहाँ पे काम नहीं कर रही है, सारी खत्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेरे पास। जब ये मारता है तो उसको डॉज करके निकल के, अरे यार शिट सामने की तरफ डॉज किया मैंने। कहाँ गए? आओ सर, कहीं जा रहा हूँ मैं, हेल्थ बढ़ा रहा हूँ भाग भाग के, जब वो कहा तुम लोग से बच गए। अरे हाँ 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 हाँ, तुम अकेले मिल जाओ, मैं तुम्हारी चलो हो गया, तीन चार और बचे हुए हैं, इनको भी आराम से अलग अलग करके मार रहा होगा भाई, डिवाइड एंड रूल वाला हल करना होगा। एक मिनट, अरे नहीं नहीं नहीं, 12% हेल्थ हो गई, खत्म होने वाली है। 45 पंगा ये कि 45 भी हो जाए तो भी अगर ये बंदे एक ब्लो करें ना तेजी से तो मैं जान मेरी जा सकती। बढ़िया, मर गया ना ये, गेम ओवर। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उस बंदे के पास कुछ है यार, ये ठीक है, थोड़ा सा ये फ्रेश हथियार है। ताहिर साहब कहाँ गए आप? आइए आपसे बारी बारी आपसे निपटने की, छुप गए क्या? एक मिनट, इसको डॉज करते हुए मारना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं नहीं है, लेकिन इसकी पावर काफी तेज है, मैं डॉज भी नहीं कर पा रहा हूँ कि एक मिनट जरा पहले हेल्थ बढ़ा, उसके पास सोचता हूँ कैसे मारना है इसको।
आजा, एक मिनट, खंबे के पास था, यहाँ टॉर्च कर सकते हैं, आजा। अरे ओए चचा, ओ चचा, चचा आओ। आओ ना, अभी तोड़ेगा, अभी तोड़ेगा। समझ गया क्या मुझे कि कैसे मारने वाला हूँ? इसका एक खतरनाक वार ना अच्छी खास हेल्थ चला जाता है। अच्छा इधर हो, आ जाओ। अरे आओ ना पास, तो आओ जरा। अरे एक तो मेरा भी ले लो। लगी 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 लगी, बस एक और, बस एक और, बस एक और, बस एक और, बस एक और। लागी लागी लागी, प्रेम रोग लागी। ओ नो नो, ओ नो नो, ओ नो नो। अरे यार इतना करीब आके नहीं मर रहा था मैं। आ जाओ, आओ चाचा, करीब तो आओ। ऐसे चले आ रहा, ऐसे लग रहा है कि जान ले ही लेंगे हमारी। खेल गए, एक एक खा लो बस, एक ये अभी ना मर्द वाली दमदार शॉट। Jade lost her life for this thing. It's just lying on the floor. I guess Rice must have dropped it when he was trying not to get shot, huh? Shit, this is just the tissue samples. Where's the other package? Go to hell, Crane. Wow, Tahir. You know, you're looking pretty fucked up, huh? Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So, then kill me. No, no, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Yes, then why don't you? Because you're not the kind of loose end you leave untied. Troy, it's Crane. Troy, Jade's dead. Oh, I'm sorry. I'm really sorry, Crane. I mean it. What happened? Jade saved my life, Troy. Again. She died saving me. Crane, you've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone, halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy, on my way. इसे सब कुछ ले लिया मेरे पास से, मेरी गन, मेरी हुक, सब कुछ, कुछ भी नहीं मेरे पास इस वक्त। पुराने और तरीके की तरह ही जाना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। ऑल राइट, चलो। सो अपना हथियार तो मैंने इसमें से ले लिया, यहाँ से निकलने का इंतजाम भी हो चुका था। इंतजाम हो चुका था। चलो सेक्टर जीरो। सो कहानी चल रही है इस वक्त ही, हम यहाँ पे आए हुए थे जेड को बचाने के लिए। Yeah, yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, great, but remember, we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. हाँ जी, तो मैं आया था यहाँ पे जेड को बचाने के लिए, बट दिक्कत ये हो गई कि मुझे और जेड को आपस में फाइट करने के लिए उसने मजबूर कर दिया एंटीजन की वजह से। और हुआ ये कि जेड ने वो इंजेक्शन हमें लगा दिया और फिर से मेरी जान बचा ली दूसरी बार। मतलब कि गेम के स्टार्टिंग में उसने ऑलरेडी हमारी हेल्प कर रखी थी और दूसरी बार फिर उसने हेल्प की और पहले अपने उसके भाई को मारा, जान बुझ के नहीं।
मारना जरूरी था, जॉम्बी भी बदल चुका था वो, और फिर हमने मारा जेड को। सो कहानी यही चल रही है कि हमने जेड को मारा, हमने उसके भाई को मारा, और जॉम्बी में बदलने की वजह से। एंड आई होप कि अब किसी और को यहाँ से मारना नहीं पड़ेगा, अब जो भी हो राइस के साथ ही हो, अपने बंदों के साथ नहीं। एल्कोहल मैंने बहुत सारे हैं मेरे पास, और गॉज भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं हेल्थ किट बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, उसके बाद चलिए। So, what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town? The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. ऑल राइट यार, फिर हम एक मिशन कंप्लीट करने वाले हैं जैसा हमने पहले किया था, वो है रेडियो टावर का। आपको याद होगा रेडियो टावर का मिशन हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था, और इस बार हम करने वाले हैं, और मेरी आवाज़ से पूरी दुनिया सुनने वाली है इसके बाद। ओह शिट। सो ब्रॉडकास्ट का मिशन हम कल कंप्लीट करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं, काफ़ी है। सो अपना ख्याल रखना, और वीडियो वॉच करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद यार, लव यू सो मच। और अपना मोहब्बत बनाए रखना, बाकी गेम्स में ऐसे ही लाता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच किंग्समैन, मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। You got me hypnotized, feeling so skinny due to same age.